तो गाइस आज मैं दी केरला स्टोरी देखने गया था और मेरी गाड़ फट गई। मेरे जगह अगर आप भी होते ना तो आपकी भी गाड़ फट जाती, क्योंकि थिएटर में ऐसा कुछ हो ही गया था जिससे मेरी गाड़ फटी, बाद बाकी सारे ऑडियंस की भी गाड़ फट गई क्योंकि वहां दंगा का माहौल हो गया था। क्या हो गया था वो थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा मूवी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टोरी का पूरा फोकस शालिनी उन्ना कृष्णा नाम की एक लड़की के ऊपर होता है जो कि प्योर हिंदू होती है, लेकिन वो जाके इस्लामिक में कन्वर्ट देखी हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज में जाती है पढ़ने के लिए नर्सिंग करने के लिए। हालांकि जाती है नर्सिंग करने लेकिन कर कुछ और लेती है, क्यों? क्योंकि वहां पे कैसे वो झांसे में फंसाते हैं लड़के लोग उसको, कैसे एक लड़की को ट्रिगर पॉइंट डाला जाता है वहां पे, और कैसे वो ट्रिगर करती है उन लोगों को, और कैसे उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उन लोगों को इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट करवा देती है, और कैसे उसको प्यार हो जाता है एक मुस्लिम लड़के से, और उसके बाद वो अपना धर्म चेंज कर लेती है, और उसके बाद जो जो बोलती है वो इतना मतलब हद तक ब्रेन वॉश उसका कर दिया था ना, जो बोलता है सब वो मान लेती है और सब कुछ किए जाते हैं कि अदर रिपीटेडली। सिर्फ वही नहीं, उसकी फ्रेंड लोग भी कर लेती है, जिसकी वजह से लगातार बहुत सारे बुरे बुरे सीन दिखाए गए हैं, जो कि लोग का रेप भी कहता है। एक लड़की उसकी फ्रेंड होती है, उसका रिपीटेडली रेप किया होता है, बहुत लोग उसका आकर रेप करते हैं लेकिन उसका कोई भी कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं होता। तो बहुत सारा ब्रूटल इसमें चीज दिखाया। आगे स्टोरी बढ़ती है, कैसे वो जाती है दूसरी जगह, कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कैसे सब कुछ इसमें बेहतरीन तरीके से। लेकिन उसके साथ ही अफगानिस्तान में जाकर जो हमला होता है, जो सीन दिखाया जाता है वहां पर, जो ब्रूटलनेस दिखाया जाता है, और उसके बाद जो हाथ काटने वाला ये सब सीन है ना, बहुत ही ज्यादा इपिक है और मतलब दर्दनाक भी है सेम टाइम पे, क्योंकि ये एडल्ट मूवी है तो ये सब कंटेंट तो होंगे क्योंकि जो रियलिटी वही दिखाएगा। लेकिन सबसे बड़े मैं अपील करना चाहूंगा इस मूवी से कि जो कि इसके अंदर खराब है, मतलब स्टोरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होती है, जो कि सबको जानना चाहिए, मेरे को भी जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए, जो लोग इसके बारे में जानते हैं उसको जानना चाहिए, क्योंकि ये मस्ट वॉच मूवी है इसके स्टोरी के वाइज से। लेकिन अगर मैं मूवी की सिर्फ बात करूं ना, मूवी को मद्देनजर रखते हुए, तो मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही वाहियात था, क्योंकि मूवी का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा बच्चों जैसा बनाया ना कि बोर होता हूं मैं स्टार्टिंग के कुछ देर ऐसे ही बोर रहा था, आधे घंटे तो मैं बोर ही हो रहा था, और उसके बाद बीच बीच में बहुत सारा लैग फील होता है मतलब स्क्रीन प्ले में, जो कि बहुत ज्यादा बोर करता है। स्क्रीन प्ले अगर कश्मीर फाइल्स की तरफ बढ़िया बनाते हैं इसका, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है मूवी। साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड स्कोर की बात करें ना, या फिर बीजीएम की बात करें, मत करो यार, मत ही करो, क्योंकि इसकी बीजीएम बहुत ही ज्यादा वाहियात है, मतलब बच्चों जैसा, मतलब इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश करे जबरदस्ती, जो कि फील नहीं हो रहा। हाँ हालांकि सीन देख के फील हो रहा, लेकिन वो जबरदस्ती जो इमोशनल अत्याचार वाला म्यूजिक डाल रहे हैं पीछे, वो ज्यादा टच नहीं हो रहा था, मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, आपका पता नहीं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो थोड़ा कम करते हो। और दी कश्मीर फाइल्स की तरह साइलेंस मेंटेन रखते ना, जो पीस रहता और वो जो दर्दनाक म्यूजिक रहता वो ज्यादा ट्रिगर करता है यहाँ पे, आई थिंक मेरे हिसाब से, जैसा दी कश्मीर फाइल्स में दिखाया था, क्योंकि वो भी तो रियल स्टोरी पे थे जैसे ये, लेकिन वो ज्यादा काम करती है इसके हद से। बाद बाकी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जो है इंपॉर्टेंट फील होती है, एक मूवी के मद्देनजर रखें तो स्टोरी इनकम्प्लीट जैसा फील होती है, हो सकता है आपको लास्ट में और कुछ एक्सपेक्टेड, लेकिन ये रॉ रखने के चक्कर में, रियल रखने के चक्कर में इसको दिखाया गया, जो कि अपना रॉनेस ये दिखाती है, लेकिन उसी के साथ इतना ज्यादा रॉ हो जाती है ये मूवी कि इसमें कुछ फ्लेवर कम हो जाता है, जो कि आपको मजा नहीं आता, जो कि बोला मैं आपको स्क्रीन प्ले और बीजीएम। तो दी कश्मीर फाइल्स अगर इसको कंपेयर करें तो कश्मीर फाइल्स अभी भी यहाँ है और ये मूवी यहाँ है, तो अगर उससे कंपेयर ना करें तो हाँ ये एक मस्ट वॉच मूवी है। आपको स्टोरी वाइज अगर देखना है तो ये देखना चाहिए, क्योंकि आपको ये स्टोरी जानने का हक है, क्योंकि सबको जानना चाहिए इंडियन में कि ऐसा चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और वो सबको पकड़ना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में एक पॉइंट ऐसा भी दिखाया है कि जितने लोग थे इस काम में वो लोग अभी भी जिंदा है, और वो लोग अभी भी अपना काम कर रहे हैं किसी किसी ऑफिस में, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए, तो क्यों नहीं पकड़े गए मेरे को नहीं पता, लेकिन पकड़े जाने चाहिए थे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो ये तो बात हो गई मूवी की। चलिए अब कांड के बारे में बात कर लेते हैं कि थिएटर का कांड क्या हो गया था। तो कांड कुछ ऐसा हो गया था ना कि बहुत सारे लोग दंगे पे उतर आए थे, मतलब कि मूवी का एक हालात ऐसा हो गया था ना कि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, बिना मतलब का चिल्ला रहे थे, सीटी मार रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, और उसी बीच में बहुत ज्यादा अग्रेशन का माहौल हो गया था थिएटर के अंदर, जिसकी वजह से दो पार्टी लड़ गए थे, मतलब इधर वाले पब्लिक 4-5, 10-15 लोग और इधर वाले 10-15 लोग, ये आपस में लड़ गए थे। तो ऐसा कुछ माहौल हो गया था जिससे मैं भड़क गया था और मेरी तो गाड़ फट गई थी, मेरे बगल बगल वाले जो भी थे सबकी गाड़ फट गई थी कि अब पक्का यहाँ मारोगा, क्योंकि मेरे को लगा था मूवी में देख के कुछ ट्रिगर पॉइंट वैसे उठ गया, लेकिन क्या हुआ था मेरे को भी रियलिटी में नहीं पता, लेकिन वो थोड़ी देर बाद शांत हो गए तो हम लोग सब शांत से बैठ के देख लिए, लेकिन हाँ सच में गाड़ फट गई थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो मुझे कहीं बता देना, और तब तक के लिए देखते रहे RST वर्ष।